हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ दया सिंह, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज का ये जो वीडियो सेशन है, इसमें हम डिस्कस करेंगे मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट में से एक टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ डिज़ाइंड एंड अनडिज़ाइंड वर्क। पिछले कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि डिज़ाइन क्या है, इसको किस तरीके से डिस्टिंग्विश करते हैं और डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइंस कैसे कैसे हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कि सपोज मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक को मैंने प्रॉपर डिज़ाइन करके डेवलप किया है और दूसरा मैंने विदाउट डिज़ाइंड ही डेवलप कर दिया है, तो दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस रहेंगे, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिज़ाइंड वर्क। डिज़ाइंड वर्क फॉलोज स्टैंडर्ड्स, कि जितने भी डिज़ाइंड वर्क होंगे, जितने भी कंपोनेंट्स डिज़ाइन करके हम तैयार करेंगे इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो हमेशा स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि मार्केट के अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं, जैसे ISO है, ISI है, BIS है, तो इसी तरह से कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको फॉलो करके वो कंपोनेंट इंडस्ट्री के अंदर तैयार करके फिर मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा। सो दूसरी तरफ अगर अनडिज़ाइंड वर्क की बात करें तो इट डज़ नॉट फॉलो स्टैंडर्ड्स, कि ये जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करेगा। बिना स्टैंडर्ड्स के फॉलो किए ही किसी कंपोनेंट को अगर तैयार किया जाए तो वो अनडिज़ाइंड वर्क के अंदर काउंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है टॉलरेंसेस एंड लिमिट्स आर फॉलोड, कि डिज़ाइंड वर्क के अंदर हम टॉलरेंसेस का, लिमिट्स का प्रॉपर फॉलो करते हैं और दूसरी तरफ टॉलरेंसेस एंड लिमिट्स फॉलो नहीं की जाती। थर्ड पॉइंट है एक्यूरेसी एंड प्रसीजन आर फॉलोड, कि इसके अंदर किस कंपोनेंट को हम तैयार कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली वहाँ पे कितनी एक्यूरेसी चाहिए, उनकी कितनी प्रसीजन चाहिए, वो सभी चीज़ें काउंट होंगी। मगर एक अनडिज़ाइंड वर्क के अंदर एक्यूरेसी एंड प्रसीजन जो है वो फॉलो नहीं की जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट इज एर्गोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स आर कंसिडर्ड इन डिज़ाइंड वर्क, कि डिज़ाइंड वर्क के अंदर जो एर्गोनॉमिक्स है, द रिलेशन बिटवीन मैन एंड मशीन, वो प्रॉपरली एस्टेब्लिश किया जाएगा, उसका प्रॉपरली ध्यान रखा जाएगा किसी भी चीज़ कंपोनेंट को बनाते समय। इकोनॉमिक फैक्टर इज रिलेटेड टू द मनी, कि वहाँ पे ये भी कंसीडर किया जाएगा कि किस कंपोनेंट के ऊपर कितना पैसा मैक्सिमम हम खर्च कर सकते हैं और किसके ऊपर कितना नहीं खर्च करना चाहिए, तो वो बाउंडेशन जो है वो इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर आएगी। ये दोनों चीज़ें ही हमारी इस डिज़ाइंड वर्क के अंदर कंसीडर होंगी। और दूसरी तरफ ये दोनों के दोनों जो फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर, आर नॉट कंसीडर्ड इन अनडिज़ाइंड वर्क। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज डिटेल्ड ड्राइंग एंड साइज ऑफ द मशीन आर कंसीडर्ड इन डिज़ाइंड वर्क, कि डिज़ाइन वर्क के अंदर जो डिटेल्ड ड्राइंग होगी किसी भी कंपोनेंट की, उसे कंसीडर किया जाएगा और जो कंपोनेंट हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसके प्रॉपर साइजेस क्या क्या होंगे, उनको प्रॉपरली वहाँ पे डिफाइन किया जाना चाहिए। मगर दूसरी तरफ अगर बात करें अनडिज़ाइंड वर्क की, तो उसके अंदर ना तो प्रॉपर साइजेस डिक्लेयर किए जाते हैं कि हमें कितना साइज चाहिए प्रॉपरली, और ना ही उसकी प्रॉपर डिटेल्ड ड्राइंग तैयार की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मशीन कॉस्ट एंड मशीन आउटपुट आर कंसीडर्ड इन डिज़ाइन वर्क, कि डिज़ाइन वर्क के अंदर जो मशीन हमने तैयार करनी है या जो भी कंपोनेंट हमें फाइनल, जो प्रोडक्ट हमें तैयार करना है, उसकी फाइनल कॉस्ट क्या होगी, उसे और मशीन की आउटपुट, और जो मशीन हम तैयार कर रहे हैं उसकी जो आउटपुट होगी, जो एफिशिएंसी होगी, उसको हमें कंसीडर करके फिर चलना होता है, फिर उस कंपोनेंट को डिज़ाइन करना होता है। और दूसरी तरफ मशीन कॉस्ट एंड आउटपुट आर नॉट कंसीडर्ड, और इसके अंदर ये दोनों के दोनों फैक्टर्स हमें कंसीडर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट अंडर डिज़ाइंड वर्क इज ड्यूरेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, कमर्शियल वैल्यू एंड ऑपरेशन रिलायबिलिटी आर द मेन कंसीडरेशन, कि इस के अंदर जो डिज़ाइंड वर्क है इसके अंदर उस मशीन कंपोनेंट की ड्यूरेबिलिटी कितनी होगी, कितनी देर तक वो चलेगा, कितना टाइम, कितने साल या कितने साइकिल्स वो ऑपरेट करेगा, तो ये चीज़ कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी के जो कंपोनेंट हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं वो फ्यूचर के अंदर हमें कितना प्रॉफिट कमा के देगा, ये चीज़ कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट इज
कमर्शियल वैल्यू, कि मार्केट के अंदर उसकी हमें कितनी वैल्यू रखनी होगी, कि जो उसकी परचेजिंग कॉस्ट होगी या हम कह सकते हैं कि उसकी जो सेलिंग कॉस्ट है वो कितनी होगी। नेक्स्ट इज ऑपरेशन रिलायबिलिटी, कि जिस पर्पस के लिए उसे डिज़ाइन किया गया है क्या वो पर्पस हमें प्रॉपरली अचीव हो पाएगा उससे, दैट इज़ ऑपरेशन रिलायबिलिटी। ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर कंसीडर करके चलते हैं डिज़ाइंड वर्क के अंदर। मगर दूसरी तरफ अगर हम देखें अनडिज़ाइंड वर्क के अंदर, तो ये चार के चार जो फैक्टर हैं वो कंसीडर नहीं किए जाते। कोई मशीन कितनी देर तक चलेगी, कितनी लॉन्ग लाइफ चलेगी, उसको कंसीडर हमें नहीं करना, कितना वो मुनाफा देगी या उसकी कमर्शियल वैल्यू कितनी होगी, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट इन डिज़ाइंड वर्क, कि जब हम किसी कंपोनेंट को डिज़ाइन करके तैयार करते हैं तो उसकी यूनिफिकेशन होती है, कि उसकी अलग से एक पहचान होती है, वो डिज़ाइंड वर्क के अंदर ज़रूरी है, वो खुद से बन जाती है। मगर अनडिज़ाइंड वर्क के अंदर अगर हम बात करें तो वो चीज़ प्रॉपरली नहीं मिल पाती, क्योंकि ना तो उसके प्रॉपर डायमेंशंस हैं, ना प्रॉपर साइजेस हैं उनके, ना उसने कुछ टॉलरेंसेस को फॉलो किया है, ना लिमिट्स को फॉलो किया है, ना स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है, तो उसके कारण उसकी खुद की पहचान मार्केट में नहीं बन पाती। नेक्स्ट पॉइंट इज इन डिज़ाइंड वर्क रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क इज ईजियर टू कंडक्ट, कि अगर डिज़ाइन वर्क के अंदर हम देखें बात करें, सभी कुछ हमने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली जो एक्चुअल नॉर्म्स है उनके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया है, तो उसके ही कारण अगर उस कंपोनेंट के ऊपर हमें फर्दर आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कुछ काम करना है, R&D का कुछ काम करना है, तो वो पॉसिबिलिटी उसकी 100% है, क्योंकि हमें प्रॉपर उसको नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली हमने उसको डिज़ाइन किया है। मगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जो अनडिज़ाइंड वर्क है इसके ऊपर R&D करना पॉसिबल नहीं है। इन डिज़ाइंड वर्क आफ्टर सेल सर्विस कैन ईजिली बी प्रोवाइडेड फॉर अ डिज़ाइंड प्रोडक्ट, कि सेल होने के बाद मान लीजिए हमने कोई कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू इट्स डिज़ाइन हमने तैयार किया है, उसको हमने सेल कर दिया मार्केट के अंदर, और उसके बाद हम जब उसकी कुछ सर्विसेज मार्केट में प्रोवाइड करेंगे तो वो ईजी हैं। मगर एक अनडिज़ाइंड वर्क की अगर वही सर्विसेज हमने प्रोवाइड करनी है तो दैट इज़ नॉट सो मच ईजी, तो उसी के कारण हम ये चीज़ कंसीडर उसके अंदर नहीं करते। एंड लास्ट पॉइंट इज़ इट हैज़ इट्स नेम इन द मार्केट, कि जो डिज़ाइंड वर्क है इसकी यूनिफिकेशन है, इसकी खुद की पहचान है मार्केट के अंदर, उसका नाम है, तो दूसरी तरफ जो अनडिज़ाइंड वर्क है इसकी कोई भी मार्केट के अंदर पॉपुलैरिटी नहीं है। सो इसी के साथ मेरा ये जो टॉपिक है डिज़ाइंड वर्क एंड अनडिज़ाइंड वर्क के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, होपफुली आप सभी को समझ आया होगा। अगर कोई भी किसी तरह का कोई पॉइंट मिसिंग रह गया, कोई चीज़ आपको नहीं क्लियर हो पाई, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।